और इस बीच पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर हिंदुस्तान की ओर घूमती नजर आई, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को के लिए रवाना हुए, जहां 8 नवंबर को उनकी रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव से मुलाकात होगी। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस की अपनी पहली यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर चर्चा करेंगे, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि सर्जेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक में एस जयशंकर पुतिन के लिए संदेश भिजवा सकते हैं। रशिया भारत से डिस्कस करना चाहे और भारत डिस्कस करे, क्योंकि देखिए रशिया यूक्रेन वॉर का जो हालात चल रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ तो डिस्कशन होगी। अमेरिका सहित पश्चिमी देश भी भारत की ओर इस उम्मीद से देख रहे हैं कि वो रूस पर दबाव डालकर यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने का प्रयास करे। जयशंकर की रूस यात्रा भी इसी उम्मीद के साथ देखी जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में पुतिन के साथ विपक्षीय बैठक में कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है। वहीं चीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो चीन में होने वाले कार ड्राइविंग टेस्ट का है, जिसे तांसू येगे नाम के एक यूजर ने शेयर किया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है ड्राइवर लाइसेंस एग्जाम स्टेशन इन चाइना। इस वीडियो में दिखाया गया है कि रास्ते को सफेद रंग से आउटलाइन किया गया है, वहीं इसमें कई बाधाएं भी हैं, जिसमें एक सफेद कार को पार्किंग करते दिखाया गया है। वीडियो की शुरुआत में कार जिगजैग ट्रैक पर चलना शुरू करती है, इसके बाद ड्राइवर कार को रिवर्स में करके पार्किंग में ले जाता है। इस दौरान बगल में बैठे 5 लोगों में से एक शख्स वहां आकर चेक करता है कि कहीं इस दौरान कार ने किसी लाइन को टच तो नहीं किया। इसके बाद कार का ड्राइवर आर्ट की शेप में बने लंबे रास्ते पर कार को चलाता है। दावा किया जा रहा है कि चीन में इसी तरह ड्राइविंग टेस्ट होता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से नाराज यूरोप के कई देशों ने रूस से तेल खरीदने पर रोक लगा दी, जिसके बाद रूस ने दूसरे देशों को तेल की सप्लाई बढ़ा दी, जिनमें भारत भी शामिल है। और आज की तारीख में भारत अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा तेल रूस से ही खरीद रहा है। भारत को तेल सप्लाई के मामले में रूस ने इराक और सऊदी अरब को पछाड़ दिया है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगाने के बाद रूस ने भारत को कम कीमत पर कच्चा तेल बेचने का फैसला किया था, जिसका फायदा उठाते हुए भारत ने भी रूस से तेल का आयात बढ़ा दिया। आज भारत अपनी जरूरत का 22% कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है, जबकि 3 साल पहले यानी 2019 में भारत को कच्चे तेल की सप्लाई में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 1% थी। वर्षों तक टॉप सप्लायर रहा इराक, भारत को 20% और सऊदी अरब 19% कच्चा तेल सप्लाई कर रहे हैं। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने भी कहा कि विकसित गुजरात को तोड़ना आम आदमी पार्टी का मकसद है। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। सरकार बनते ही इसके अंदर हम विधानसभा में इसका ठहराव करवाएंगे। ये जो है देश का और गुजरात के विकास के लिए अति आवश्यक है। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ हासिल नहीं कर पाएगी और राज्य में बीजेपी इस बार 150 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाएगी। हम नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़े रहेंगे, हम अमित शाह जी के साथ खड़े रहेंगे और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। बर्फबारी और बारिश के बाद कश्मीर घाटी का सिर्फ तापमान ही नहीं बदला, बल्कि तस्वीर भी बदल गई है। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी के बाद पहाड़ से लेकर रिहायशी इलाके तक बर्फ से ढक गए हैं, जिसकी एक तस्वीर दिखी पुंछ के पीरपंजाल में, जहां पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग और पुंछ में वादियों का रंग बर्फ की वजह से सफेद हो चुका है। चीड़ देवदार के पेड़ों पर भी बर्फ जमनी शुरू हो गई है और हरी भरी घाटी अब सफेद नजर आने लगी है। पुंछ, गुलमर्ग, सोनमर्ग में तो इतनी बर्फबारी है कि कई रास्ते बंद हो गए हैं। पुंछ में मुगल रोड पर भी बर्फ की मोटी परत बिछ गई, जिसे रास्ता बहाल करने के लिए भारी मशीनों की मदद से हटाया गया। रास्ते डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ते हैं वो भारी बर्फबारी के कारण बंद हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने तुरंत जो है स्नो क्लियरेंस का काम भी शुरू कर दिया गया है। गुलमर्ग में भी सड़कों पर बर्फ जम गई है, जिसकी वजह से भारी मशीनें तैनात की गई हैं, ताकि गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित ना हो और सैलानियों को भी परेशानी ना हो। और वहीं ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन की आंच अब भारत तक पहुंच गई है।
केरल के कोरिकोड में मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने महसा अमीनी के समर्थन में हिजाब को जलाया और आजादी के नारे लगाए। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा आज बच्चों के बीच पहुंची। प्रियंका चोपड़ा लखनऊ के लालगंज स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहुंची और बच्चों के साथ वक्त बिताया। राजस्थान के बीकानेर में ऊंटनी के दूध से चॉकलेट तैयार की गई है। ये चॉकलेट कई बीमारियों में फायदेमंद है। चॉकलेट को एशिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ने तैयार किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन का शिकार हुए एक परिवार ने हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि 150 साल पहले तलवार की नोक पर उनके पूर्वजों से धर्म परिवर्तन कराया गया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी लगाई गई थी। गुरुग्राम के उद्योग विहार में कार सवार कुछ लड़के सड़क पर जानलेवा स्टंट करते दिखाई दिए, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें सफेद रंग की कार में बैठे कुछ लड़के तेज रफ्तार में कार घुमाकर स्टंट कर रहे थे और तभी कार सवार इन लोगों को रौंदते हुए वहां से फरार हो गया। इनमें से कुछ स्टंट का वीडियो भी बना रहे थे। तस्वीरों में स्टंट की चपेट में आए लोग सड़क पर पड़े दिखाई दिए। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ये लोग कुछ समझते उससे पहले ही हादसे का शिकार हो गए। ये हादसा रविवार रात करीब 1:30 बजे गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज 4 में हुआ। पुलिस ने सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और स्टंट में शामिल 2 गाड़ियां भी बरामद कर ली हैं। 7 आदमियों से जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये शराब पी के वहाँ पहले इन्होंने झगड़ा किया और उसके बाद स्टंटबाजी की। पुलिस जांच में जुटी है और मरने वाले व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश कर रही है। और दिल्ली के करीब बहादुरगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और दूर तक धुएं का गुबार नजर आया। फिलहाल मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का काम चल रहा है। बहादुरगढ़ की एक केमिकल फैक्ट्री में ये आग लगने की घटना सामने आई। 10 दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और इस भीषण आग को काबू में पाने की कोशिश कर रही हैं। आग लगने के बाद दूर दूर तक काले धुएं का गुबार नजर आया।